देखिए जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है और वो किसी ना किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। अटेम्प्ट्स होते रहते हैं, एससी एसटी सब प्लान, यहां पे रविदास मंदिर तोड़ा, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है वो कभी आगे ना बढ़े। और आज ये जो कहा है कि रिजर्वेशन अधिकार ही नहीं है, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है और ये इनका रिजर्वेशन को रद्द करने का तरीका है। लेकिन ये अदालत का फैसला है राहुल जी, अदालत ने मौलिक अधिकार, नहीं नहीं नहीं, उत्तराखंड की सरकार ने ये आर्ग्यू किया है, प्लीज आप उसको ठीक से पढ़िए, उत्तराखंड की सरकार ने ये बात कोर्ट में आर्ग्यू की है। तो आप ये क्या आप ये डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करे या संसद से, जिस तरह से आपके, मैं ये कह रहा हूं कि ये आरएसएस वाले बीजेपी वाले जितना भी सपना देख लें, रिजर्वेशन को हम कभी नहीं मिटने देंगे, क्योंकि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत डायरेक्ट भाग है। ये मेन बात कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। आप देख रहे हो कि हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते हैं, आपने कल ही परसों देखा, जुडिशरी पे दबाव डालते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं। और जो भी मेन पिलर्स हैं हमारे देश के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको एक एक करके तोड़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम लिया है इन्होंने और हम इनको, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि एससी एसटी का जो नया एक्ट है उसको अपहोल्ड किया है, वही एक्ट जिसको इस सरकार ने संसद से पारित कराया, तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी तरफ सरकार, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में, उनके डीएनए में रिजर्वेशन जो है उनको चुपता है और वो किसी ना किसी तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं। और मैं यहां से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूं और खास तौर से जो दलित ओबीसी एसटी के लोग हैं उनसे कह रहा हूं कि रिजर्वेशन को हम कभी नहीं मिटने देंगे, चाहे मोदी जी सपना देखें, मोहन भगवत सपना देखें, हम उसको नहीं होने देंगे। अच्छा, आपने आपने जो सवाल पूछा था, आपने कहा था कि ये कोर्ट का मामला है, यहां मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। मिस्टर रंजीत कुमार लर्नेड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द अपेलेंट इन एसएलपी नंबर 25508 ऑफ 2019, मिस्टर मुकुल रोहतगी एंड मिस्टर पीएस नरसिम्हा लर्नेड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द स्टेट of Uttarakhand contended that there is no fundamental right to claim reservation in appointments or promotion to public posts. There is no constitutional duty on the part of the state government to provide reservation. So, ये आपको मतलब clear हो गया ना? राहुल भैया जी जोशी का बयान आया है कि I'm she wants me to speak in English. Yeah, sir, please can you throw some light on this entire matter that you're raising today? See, the issue is that the RSS and the BJP cannot stand the idea that Dalits, tribals and OBCs have reservations. So it is in their DNA. They wake up every morning and this irritates them, right? Except it is in our constitution. And these rights are guaranteed by our constitution. They have attempted to remove reservation in one way or the other. You've seen what they did to the Ravidas temple here. You've seen what they did to the SCST sub-plan. And now you've seen that they are arguing that it is not a fundamental right. So it is their DNA to try and erase it. And I want to tell my friends in the SC, ST and OBC community that it doesn't matter what fantasy that the RSS and the BJP live in, we are not going to allow this to happen. Rahul Bhaiya ji Joshi ka bayan aaya hai ki BJP ka virodh Hindu ka virodh nahi hai. BJP doesn't mean that they are anti-Hindu. I'm not. You think that there's a change? Look, I'm here making a very important point. My point is that we are not going to allow the RSS and the BJP to erase reservations. What this gentleman has said, I mean, this I'm not really bothered about. So the Supreme